अस्सलाम वालेकुम, मुवैस अहमद सिद्दीकी जो कि वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल द बोल्ड विजन कलर ट्यूटोरियल में आप सब लोगों का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप पार्ट ए को स्टडी करेंगे, जिसमें इंक्लूड होगा पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स एंड शेप्स टूल। लेसन 7 पार्ट ए के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर लाइक और सब्सक्राइब करें, और याद रहे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। हमारे टॉपिक में आज इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, जिसमें हम पढ़ेंगे पिक्चर फॉर्मेट, ऑनलाइन पिक्चर्स एंड शेप, कि किस तरह पिक्चर को हम पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक में। इंसर्ट का टैब है हमारे पास, उसमें हमारे पास आ रहा है पिक्चर्स। पिक्चर्स पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप जिस लोकेशन पे आपके पास पिक्चर रखी हुई होगी आप उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये रखी हुई है, क्लिक कर दिया दैन इंसर्ट, तो आप देख सकते हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट पर इमेज आ गई है। ये आपको इमेज में आपको चार डॉटेड नज़र आ रहे होंगे कॉर्नर पे तमाम। ये कॉर्नर से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, अभी साइज़ बहुत बड़ा है इस पिक्चर का, अगर मैं चाहूँ कम करना आप क्लिक करके रखेंगे, ड्रैग कर देंगे तो आप देख सकते हैं पिक्चर मेरे पास छोटी हो गई। जो आजकल हमारे पास कोरोना वायरस चल रहा है उससे मुतालिक मेरे पास पिक्चर है, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहिए बिला ज़रूरत बाहर ना निकलिए। चलें, हम इस पिक्चर को जैसे मैंने ऐड किया अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप देख सकते हैं मेरे पास फॉर्मेट का एक टैब ओपन हो गया। अब टैब ओपन हो गया, मेरे टैब के अंदर आपके तमाम के तमाम ग्रुप्स आ रहे हैं, तमाम स्टडी करेंगे वन बाय वन। पिक्चर मेरी आप देख सकते हैं सिलेक्ट हुई हुई है। अब उसके ऊपर एक एरो नज़र आ रहा है, ऊपर डाइवर्ट थोड़ा सा राउंड हुआ हुआ है। इस ये हमारे किस पर्पज़ के लिए होता है, मूव करवाने के लिए होता है पिक्चर। अगर मुझे पिक्चर को मूव करवाना है, उसको पकड़ेंगे आप देख सकते हैं जिस डायरेक्शन आप आएँ उस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी पिक्चर। पहला हमारे पास आ रहा है टूल बैकग्राउंड रिमूव। बैकग्राउंड रिमूव क्या करता है, आपका जो पिक्चर का बैकग्राउंड अगर रिमूव करना हो आपको, तो आप बआसानी कर सकते हैं। कैसे, क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद मेरे पास सिलेक्शन आ जाएगी, उसको क्या कर देंगे कीप चेंज। जैसे कीप चेंज किया, आप देख सकते हैं सिर्फ मेरे पास पिक्चर रह गई है, बाकी का हिस्सा बैकग्राउंड क्या हो गया, रिमूव हो गया। वापस कंट्रोल जेड कर देते हैं, लेकर आया। इसी तरह आगे चलते हैं करेक्शन। करेक्शन क्या करता है, आपके पिक्चर को इफ़ेक्ट लेकर आता है, जिस तरह आपके पास मोबाइल में अवेलेबल होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं मेरी पिक्चर थोड़ा मूव नहीं हो रही, तो मूव करवाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ चले जाएँगे पोजिशन पर, पोजिशन पर जाकर रैप टैक्स पर जाएँगे, रैप टैक्स पर जा के क्या कर देंगे थ्रो। थ्रो करने का पर्पज़ क्या होता है, जैसे ही आप कोई न्यू पिक्चर एड करते हैं आप, तो वो नॉर्मली मूव नहीं होती, तो उसको मूव करवाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, रैप टैक्स में थ्रो के ऑप्शन पे क्या कर देंगे क्लिक। जैसे क्लिक करा आप देख सकते हैं आप बआसानी मेरी पिक्चर मूव हो गई है। जाते हैं अगेन करेक्शन पे। करेक्शन पे आप गए, आप कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, देखें आप मेरा इफेक्ट चेंज होता जा रहा है, जिस कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे वो अप्लाई हो जाएगा। दैन कलर, ये भी आपने मोबाइल से अपने देखे होंगे इफेक्ट, जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कलर से भी। आर्टिस्टिक इफेक्ट में भी कुछ इफेक्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इफेक्ट हैं, वो आप ले सकते हैं इसमें से भी। ग्लास पैटर्न है, प्लास्टिक रैप है, इस तरह आप कोई भी क्लिक कर देंगे वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास, अगर आप चाहते हैं मेरे पास पिक्चर में बॉर्डर अप्लाई हो जाए, इफेक्ट अप्लाई हो जाए, सर्किल हो जाए, तो आप कहाँ जाएँगे, यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें बने बनाए स्टाइल आ रहे हैं, फ्रेम जिसे आप कहते हैं फ्रेम आपके पास नज़र आ जाएंगे, जिस पे भी आप क्लिक कर देंगे वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है फ्रेम कंपाउंड फ्रेम, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास फ्रेम अप्लाई हो गया। अब फ्रेम तो आ गया है, लेकिन ब्लैक कलर आ रहा है फ्रेम का, मेरा पिक्चर भी मेरे पास ब्लैक है, तो इतना मज़े नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कहाँ जाऊँगा, पिक्चर बॉर्डर पर। पिक्चर बॉर्डर पर आने के बाद फ्रेम का कलर क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा पिक्चर का कलर चेंज हो गया, क्लिक कर देंगे वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट उसी पर जाते हैं बॉर्डर पर। अगर आपको वेट बढ़ाना है बॉर्डर का साइज़, तो आप वेट पे आकर क्या कर सकते हैं, साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट उसी के नीचे हमारे पास आ रहा है डैशेस। डैशेस का मतलब आपको अगर डॉटेड लाइन चाहिए, कोई स्टाइल कोई चाहिए, तो आप वहाँ यहाँ से लाइन डॉटेड लाइन से ले सकते हैं। क्लिक कर देंगे वो अप्लाई क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा जो भी आप लेना चाहेंगे। अगर नहीं चाहिए बॉर्डर तो अगेन कहाँ जाएंगे, वहीं पे पिक्चर बॉर्डर पे, और नो आउटलाइन पे कर देंगे क्लिक, तो क्या होगा हमारा बॉर्डर आउटलाइन हर रिमूव हो जाएगा। पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर इफेक्ट मेरे पास बहुत सारे इफेक्ट हैं, अगर आप चाहते हैं मेरा पिक्चर इफेक्ट अप्लाई हो जाए पिक्चर पे कोई, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मल्टीपल इफेक्ट आ रहे हैं आपके पास, ग्लास पैटर्न आ रहा है, इस टाइप के आपके पास शेडो अगर आप लेना चाहते हैं तो शेडो अपनी पिक्चर के अंदर पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, अक्स कहते हैं, तो आपका रिफ्लेक्शन उसके जिस एंगल में होगा आपके पास उसी तरह आपके पास रिफ्लेक्शन अप्लाई हो जाएगा। देन हमारे पास आ रहा है ग्लो। ग्लो का मतलब होता है आउटलाइन आपकी क्या कर दे, हाईलाइट कर दे, फैला दे। तो आप देख सकते हैं हमारी आउटलाइन क्या हो रही है, फैल रही है। उसके साथ साथ हमारे पास आ रहा है सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस क्या करते आएगा, आपके तमाम एजेस जो होंगे कॉर्नर उसको क्या करते आएगा, सॉफ्ट करता चले आएगा। डार्क लेंगे तो डार्क, सॉफ्ट लेंगे तो सॉफ्टनेस लेता आएगा। ब्रेवल में क्या होगा, आपकी पिक्चर को क्या कर देगा, हार्डनेस में ले आएगा, हार्ड हो जाएगी आपकी पिक्चर। लास्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास 3D, 3D इफेक्ट में कन्वर्ट कर देगा आपकी पिक्चर को। कोई भी इफेक्ट आप अगर लेना चाहें तो आप 3D इफेक्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपनी पिक्चर को। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास पोजीशन आ रही है। पोजीशन लेने से पहले मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे, डमी पैराग्राफ जिसे कहते हैं, आप सबको पता है। मैं वैसे डमी पैराग्राफ ले लिया मैंने। डमी पैराग्राफ लेने के बाद फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पे पोजीशन पे आ गया। पोजीशन पे आप देख सकते हैं ये क्या हुआ है, ये मेरा कर्सर लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट पोजीशन पे, जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं लाइन मेरा पैराग्राफ शो कर रहा है, बाकी पिक्चर वो पिक्चर शो कर रही है। जिस लोकेशन पे आप लेकर जाएंगे सेंटर, तो आपकी पिक्चर सेंटर में हो जाएगी, राइट में हो जाएगी, मिड में हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई मिड में हो गई सेंटर के, राइट बॉटम पे चली गई। और इसी तरह आप कोई भी लोकेशन पे आप मूव करवा सकते हैं अपनी पिक्चर को बआसानी। आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जहाँ मर्जी आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है रैप टैक्स। इन लाइन कर दूंगा तो इन लाइन आप देख सकते हैं इन लाइन में क्या आ रहा है, पिक्चर मेरे बीच में रहेगी, बाकी इमेज के मेरे ऊपर टैक्स और नीचे बॉटम लाइन पे टैक्स होगा। स्क्वायर में कर दूंगा तो तमाम स्क्वायर शेप में मेरे पास पिक्चर आ जाएगी। टाइट होगी तो मतलब टाइट भी वही हमारे पास चारों एंगल में हमारे पास टैक्स होगा। थ्रो जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, थ्रो मतलब कि आप तमाम के तमाम क्या करेगा, पिक्चर को ईजी मूव करवाने के लिए यूज़ होता है। टॉप एंड बॉटम आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर बीच में सेंटर में, और टैक्स ऊपर और नीचे टॉप एंड बॉटम पे स्टार्ट है। बिहाइंड टैक्स मींस बिहाइंड क्या होगा, आपका पिक्चर जो होगी मेरी पीछे चली जाएगी टैक्स के, और टैक्स हाईलाइट होकर ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं पिक्चर के ऊपर मेरा टैक्स है। अगर आप चाहते हैं मेरा टैक्स बैक पे चला जाए, पिक्चर ऊपर आ जाए, तो आप इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास पिक्चर ऊपर है, टैक्स बैक पे। इस तरह आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं चीज। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास हमेशा दो होंगी या दो से ज़्यादा पिक्चर होंगी उन पर वर्किंग करेगा। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर के ऊपर लेकर आ जाओ। तो हम एक और पिक्चर ले लेते हैं ज़रा अगेन। आप देख सकते हैं इसको भी मैं या क्या कर दूँ, रो करवा दूँ। अब मेरे पिक्चर को एक ऐसे लग दिया है। अब मैं चाहता हूँ मेरी ये पिक्चर जो है ब्लैक वाली वो क्या हो जाए, इसके ऊपर आ जाए, तो मैं कहाँ जाऊँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड पे आ गई पिक्चर। अगेन मैं चाहता हूँ इसी को बैक पे ले जाऊँ, तो बैक फॉरवर्ड कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं बैक पे चले गई। सिलेक्शन पेन क्या काम करता है, सिलेक्शन पेन में जितनी मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे, पिक्चर्स होंगी, शेप्स होंगी, वो यहाँ पर मुझे शो करवा देगा कितनी है। मेरे पास अभी दो अवेलेबल हैं, तो मेरे पास दो शो करवा रहा है। उसके बाद अलाइनमेंट, अलाइंड है, अलाइन पढ़ के आ चुके हैं, वही सेंटर राइट है, टॉप है। ग्रुप्स क्या है, ग्रुप हमारे पास होता है अगर मेरे पास दो पिक्चर हैं, दो से ज़्यादा पिक्चर को मैं एक पिक्चर बनाना चाहूँ, मतलब जिस तरह मैं अगर एक कुछ पे एक इफेक्ट अप्लाई करूँ तो दोनों पे अप्लाई हो जाए, सब पे अप्लाई हो जाए, तो क्या करूँगा, दोनों को कंट्रोल प्रेस रख कर दोनों पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन देखें एक सिलेक्ट तो हुई भी है, अब देन मुझे सेकेंड पिक्चर सिलेक्ट करनी है, दो या दो से ज़्यादा, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्रेस रख कर देन क्लिक। तो आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर का सिलेक्ट हो गई। तो अब ग्रुप में जाकर मैं क्या कर दूँगा, ग्रुप आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही ग्रुप में मर्ज हो गई है दोनों पिक्चर। अब मैं यहाँ से देखें बआसानी कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकता हूँ इस पर, दोनों पे सेम होगा।
रोटेट करवानी है तो रोटेट आप आसानी करवा सकते हैं, किसी भी एंगल में रोटेट हो जाएगी। क्रॉप करनी है तो आप क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं बआसानी, मैंने क्रॉप पे कर, इस तरह आप मोबाइल में करते हैं क्रॉप, वो आप क्रॉप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्रॉप हो गए। अगर इसका साइज़ हाइट बढ़ाना चाहें तो हाइट बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, विड्थ जिसी तरह विड्थ हाइट आप आसानी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा, पिक्चर का एक ग्रुप कम्प्लीट कम पिक्चर कमांड कंप्लीट हो गई, तो नेक्स्ट जाते हैं हम ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर में क्या होता है हमारे पास, अगर आप डायरेक्ट आपको नेट से डायरेक्ट उठाना चाहें कोई पिक्चर तो आप नेट से डायरेक्ट उठा सकते हैं। डायरेक्ट आप नेट से पिक्चर उठा सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल पिक्चर लिखता हूँ एंटर करता हूँ आपके सामने, मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी नेट से, क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे वो अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है शेप। शेप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे डॉक्यूमेंट पर, तो वो सबसे मेन का हमारा शेप का होता है। शेप की मदद से आप कई चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर शेप ले लिए, शेप लेने के बाद मैंने इसको क्या किया यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। याद रहे मेरे पास पिक्चर था, पिक्चर के बाद अगर फॉर्मेट के टैब में अंदर जाऊँ तो फॉर्मेट के टैब में आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये एरिया जो आ रहा है इतना एरिया, ये मेरे पास शेप के एरिया के अंदर भी आएगा। तो हमने पिक्चर में देख लिया, हम शेप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें भी देख सकते हैं आप शेप में ये आ गया। नेक्स्ट जाता हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं शेप ले लिया, शेप मेरे पास इस तरह की। शेप के अंदर बेनिफिट क्या होता है, हम आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, सिलेक्ट ये हुआ हुआ है, मैं आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, लिख दिया कुछ टेक्स्ट, लिखने के बाद सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस बॉक्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर का बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं बआसानी, जिस कोई भी कलर में लेना चाहें ले सकते हैं। साइज़ में टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ, उसके बाद अगर शेप फिल्स के अलावा वो कलर चाहिए तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें मेरी शेप है, शेप का कलर आ रहा है, कलर के अलावा मैं पिक्चर ऐड करना चाहूँ शेप के अंदर, तो आप पिक्चर के थ्रू करवा सकते हैं। शेप पिक्चर में आके फ्रॉम फाइल अब यहाँ पे आए क्लिक कर दूँगा देन ऑफ इंसर्ट, आप देख सकते हैं जितना मेरी शेप होगी उसी एंगल में मेरे पास पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आउटलाइन शेप, शेप की अगर आउटलाइन आपने बढ़ानी है, पहले वेट वेट में बढ़ा दूँ आउटलाइन की, आउटलाइन आप देखें, आप देख सकते हैं आउटलाइन मेरे पास आ गई है। फ्रेम मींस शेप इफेक्ट, जिससे मेरे पास इमेजेस में मैंने आपको दिखाए थे इफेक्ट, वही बिल्कुल मेरे पास शेप में भी अवेलेबल है। ये एरिया हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट का, कौन सा टेक्स्ट, जो मैंने शेप के अंदर लिखा हुआ है ये टेक्स्ट। अगर इसकी आपने एडिटिंग करनी है तो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, आप कोई भी इफेक्ट, वो इफेक्ट आपके पास नज़र आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं मेरे पास ये स्टाइल जो आ रहा है शेप इसमें टेक्स्ट का आउटलाइन कलर चेंज करना चाहते हैं आप, अगर यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। आउटलाइन चेंज करना चाहें तो आउटलाइन उसके नीचे वाला ऑप्शन है, आप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं बआसानी। आउटलाइन को इंक्रीज़ करना है तो आप वेट बढ़ा सकते हैं आउटलाइन की। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे पास आ रही है, एक और चीज़ हम क्या करते हैं इसको यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते चलें यहाँ पे, कि टेक्स्ट में हमें किस तरह स्टाइल दे सकते हैं। उससे पहले कि मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चेंज कर दूँ यहाँ पे बैकग्राउंड, ताकि हमें ईजीली नज़र आ सके। यहाँ मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया ग्रेडियंट, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट पे थोड़ा सा स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए यूनिक चीज़, वो यहाँ पे आकर स्टाइल में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आ रहा है। ट्रांसफॉर्म में क्या है आपको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक चीज़ नज़र आ रही है आपको, इंटरेस्टिंग भी है, यहाँ पर कोई भी आप इसमें से स्टाइल ले सकते हैं, कोई भी स्टाइल क्लिक कर देंगे अप्लाई हो जाएगा। क्लिक करा मैं यहाँ पर आपके सामने मेरे पास एक स्टाइल आ गया। इस तरह आप किसी भी टाइप पे शेप पे कोई भी पैटर्न अप्लाई करवा सकते हैं यहाँ पर। उसी के साथ यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ शेप ले लूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे
तो यहाँ पे मैंने एक शेप ड्रॉ कर दी। यहाँ पे शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कुछ इसके अंदर कोई पिक्चर अप्लाई करना चाहूँ तो पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ से। ये स्माइल फेस को ये कोई भी फेस फेस बना सकते हैं। यहाँ पे शेप फिल पे आए, शेप फिल पे आने के बाद पिक्चर पे आएंगे। पिक्चर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ लोकेशन दिखाएगा। लोकेशन पे आपने जो पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी होगी वो आप क्या कर देंगे सेलेक्ट। जैसे मैं सेलेक्ट करा तो आप देख सकते हैं मेरी जिस शेप में जो भी शेप होगा उसी में मेरे पास इमेज कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं आज चाहूँ यहाँ पर पिक्चर पे कोई टेक्स्ट लिखना तो आप कैसे लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए अगेन मैं आप इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप, शेप में आप कोई भी शेप ड्रॉ कर दूँगा। अब यहाँ पर कोई भी कुछ भी लिखना हो, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट जो हो मेरे पिक्चर पे आ जाए लेकिन मेरे पास शेप नज़र ना आए, तो मैं कहाँ जाऊँगा अगेन शेप फिल पे, नो फिल कर देंगे शेप को और आउटलाइन भी क्या कर देंगे नो आउटलाइन। तो आप देख सकेंगे यहाँ पे कि मेरे पास आउटलाइन हट चुकी है, सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। टेक्स्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करवा दूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरे पिक्चर में टैक्स अप्लाई हो गया। इस तरह आप किसी भी टैक्स पिक्चर पे कोई भी टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास आज क्या हो चुका है, आज टॉपिक में हमारे पास इलस्ट्रेशन में पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स एंड शेप्स कवर हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के अल्लाह हाफिज़।